हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका मेडिकल वाला दोस्तों। मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर। आज की वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए टैबलेट डाइक्लोफेन 50। तो आप देख सकते हो इस तरह की इसकी पैकिंग होती है। तो आज की वीडियो में इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कैसे यूज़ करना है, कब करना है, क्या सावधानियाँ बरतनी है, दवाइयों से रिलेटेड वीडियोज़ है वो बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह की इसकी पैकिंग होती है। 15 टैबलेट आपको मिल जाती है स्ट्रिप के अंदर में, और ऑरेंज कलर की इसकी पैकिंग होती है। और एमआरपी की बात करें, एमआरपी आपको मिल जाता है 33 रुपये 99 पैसे। 15 टैबलेट आपको स्ट्रिप के अंदर में मिल जाती है। बायोकेम के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। और यहाँ पे इसके केमिकल कंटेंट के बारे में जाने तो इसके अंदर में है डाइक्लोफेनेक गैस्ट्रो रेसिस्टेंट। तो डाइक्लोफेनेक इसमें यूज़ किया गया है जो कि 15 mg है। तो उसके बाद में आइए जानते हैं डाइक्लोफेनेक के बारे में, इस टैबलेट के बारे में, डाइक्लोफेन 50 के बारे में। तो दोस्तों ये एक पेनकिलर टैबलेट है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो पेन के लिए किया जाता है। यदि आपको कहीं भी दांत में पेन है या हाथ में पेन है या फिर हाथ की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, गर्दन में पेन है या फिर कहीं भी मूंछ का दर्द है, इसके अलावा कहीं पे कोई चोट लग रही है उसमें दर्द है, या फिर कान में दर्द है, इसके अलावा नाक में दर्द है, गर्दन में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कैसा भी दर्द हो आपको, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पेन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो ये टैबलेट आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, उल्टी का मन करना, चक्कर, दस्त आदि, बेचैनी बनना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज है फ्रेंड्स, एक टैबलेट जो है सुबह, एक टैबलेट शाम को आप ले सकते हो। ये जो डोज बताई है एडल्ट के लिए है, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये डोज जो है ये बताई है। बाकी का जो इतना डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उतनी ही लेनी है। इसके अलावा या दोस्तों ये 50 mg के अलावा आपको 100 mg की स्ट्रेंथ में भी मिल जाएगी, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। ये जो है 50 mg की जो टैबलेट है काफ़ी हद तक जो है दर्द को कम कर देती है। और इसके अलावा जब दर्द तो है थोड़ा हैवी होता है या फिर कंट्रोल से बाहर होता है, तब जो उस कंडीशन में 100 mg भी इसको पेशेंट को दी जाती है। तो 100 mg में भी आपको मिल जाती है। तो ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं इसको ले सकती है, काफ़ी हद तक सेफ है 50 mg उनके लिए। इसके अलावा जिन लोगों को लीवर किडनी की समस्या है वो इसका इस्तेमाल ना करें, और जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल यदि आप करना चाहते हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर से लें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतनी थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक से सब्सक्राइब करें ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।